तो बीजेपी जो है वो काला दिवस आज के दिन मना रही है। उनका कहना है कि आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई थी। तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ सीके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि मौजूदा सरकार ने अघोषित जो है इमरजेंसी लगा रखी, और दूसरी तरफ उस इमरजेंसी जो 40 साल पहले लगी थी उसको लेकर बीजेपी आज काला दिवस मना रही है। इन दोनों इमरजेंसी को लेकर एके मिश्रा जी क्या कुछ सोच रहे हैं, उनका विचार भी हम जानेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं एके मिश्रा जी। मैंने सवाल पूछा था कि दोनों इमरजेंसी का जिक्र जो हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि मौजूदा वक्त में अघोषित इमरजेंसी, और बीजेपी जो है वो काला दिवस आज मना रही है। वो कह रही है कि जो 40 साल पहले हुआ उस दाग को कांग्रेस धो नहीं सकती है। जिस आफत में देश को झोंका था उसको लेकर देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस अघोषित इमरजेंसी इसको बता रही, किस तरह से देख रहे हैं दोनों माहौल को? आसिफ देखिए, आप जरा पॉलिटिक्स से दोनों पार्टियों से इतर होके सोचिए। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि 40 साल पहले जो घटना हुई थी अच्छी थी बुरी थी, चलिए उसको भूल जाइए। बीजेपी को मैंडेट इस चीज़ के लिए नहीं मिला है कि आप केवल इतिहास की बातें करें और आ करके काम की बातें ना करें, और केवल पुरानी चीज़ों को आप किसी न किसी अच्छे या बुरी तरीके से सेलिब्रेट करती रहें। जैसा कि अभी बीजेपी की प्रवक्ता जो देहरादून से बैठी है मैम ने बोला, जन्मदिन और श्राद्ध मनाने में ही बीजेपी का टाइम जा रहा है। मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इतिहास में देखा जाए जून के महीने में इतनी घटनाएं हुई हैं, क्यों 25 जून को ही सेलेक्ट किया? केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सेलेक्ट किया? विकास पे बात नहीं, मेक इन इंडिया पे बात नहीं? मुझे थोड़ा सा टाइम आसिफ देना, मैं आपको बताना चाहूंगा। जून के महीने में बाबर राजा बना था। जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जो 2-2.5 साल का पीरियड था, प्रेस बंद, विचारों की अभिव्यक्ति बंद, एकदम गुलामी का माहौल था, मैं बोलना चाहता हूं कि इस मामले में बाबर ने जितना जो मतलब घृणित काम किया उसने तो मतलब एक ऐसी नींव डाली कि जो लगातार एक दमन का पूरा चलता रहा, उससे बड़ी इमरजेंसी कोई नहीं है। मैं बोलता हूं जिस दिन जून महीने में बाबर बना था, क्यों नहीं बीजेपी उसको जो है इस तरीके से पूरे देश में मना रही है? पीएम से लेके बीएम तक, प्राइम मिनिस्टर से लेके बूथ मैनेजर तक, इतनी बड़ी मैन पावर हफ्ते 10 दिन के लिए पूरे देश में यही मनाने में जुटी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं जून के महीने में ही गोलवेलकर साहब और हेडगेवार साहब जो आरएसएस के फाउंडर थे उनकी भी डेथ हुई थी। बीजेपी क्यों नहीं इसको श्राद्ध के रूप में अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रही है? अपनी ही पार्टी के फाउंडर को उन्होंने नेशनल लेवल पे क्यों नहीं प्रोपोगेट किया? क्यों नहीं पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय और जो जितने बूथ मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के उन्होंने अपने यहाँ एक्टिविटी नहीं की? जून के महीने में ही हमारी जो है रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई थी, क्यों बीजेपी के किसी भी मेंबर ने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला? मैं आपको डेट बताता हूँ, 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी, 18 जून 1946 को गोवा लिबरेशन मूवमेंट हुआ था, द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जिसमें कि गोवा को आजाद किया, 1956 में द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास हुआ था, उसके बाद 18 जून 1993 को हिंदुत्व स्वर्ण ऑन दिस डे बाय द 14th नेशनल काउंसिल ऑफ बीजेपी इन बेंगलोर, बीजेपी ने इस डेट को नहीं सेलेक्ट किया। 2 जून 1924 को द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था, June 28, 1975 को इंडिया इंपोजेस द टफेस्ट प्रेस सेंसरशिप, वही इमरजेंसी के टाइम में। तो क्या 27 जून को भी बीजेपी वाले पूरे देश को इसके अगेंस्ट जो है वो मनाएंगे और पूरे मैन पावर को एंगेज करके रखेंगे? 30 जून 2017 को द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है? 12 जून जो है 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टेब्लिशेस स्लेव डायनेस्टी, लेटर टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, बीजेपी इसको क्यों नहीं धिक्कार दिवस के रूप में मनाती है? 1757 में 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, कंपनी रूल इन इंडिया, मतलब 1858 को, बीजेपी क्यों नहीं इसको धिक्कार दिवस या बुरे तरीके से मना रही है? जून के महीने में ही छत्रपति शाहू जी महाराज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बीजेपी क्यों नहीं इनको याद कर रही है? बीजेपी का मकसद क्या यह हो गया है कि पूरे इतने बड़े मैन पावर को रिसोर्सेस को एंगेज करके केवल और केवल, अरे कांग्रेस आपकी पॉलिटिकल राइवल है। जवाब देना चाहती हूं, बाबर के जन्मदिन को, बाबर जिस दिन राजा बना था उसको सबसे बड़ा राम मंदिर का विरोधी, राम मंदिर को उसने तुड़वाया, आप लोगों ने आज तक एक शब्द क्यों नहीं बोला? मैं बोलता हूँ उसका विरोध दिवस मनाइए ना,
इमरजेंसी ज्यादा बड़ा है कि बाबर जिस दिन अटैक करके राजा बना था, मुझे दो घटनाओं में बता दीजिए। बीजेपी की आइडियोलॉजी के हिसाब से इमरजेंसी जो 2.5 साल की थी वो उतनी बुरी घटना है कि बाबर ने जब अटैक करके जब वो राजा बना, कौन सी ज्यादा बुरी घटना है? चलिए चलिए जवाब जवाब ले लेते कुकरेती, प्राथमिकता जवाब जवाब ले लेते कुकरेती जी, जवाब दीजिए अगर आपने सुना हो सारे सवाल। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि बड़ा भारी इतिहास का ज्ञान लेकर के, मैं मुझे आपके बधाई की जरूरत नहीं है, इतिहास का ज्ञान लेकर के रिसर्च करके हमारे मीडिया पर आए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। रजनी कुकरेती जी, 43 साल पहले जो हुआ, इमरजेंसी लागू की गई, क्या उसको भी भुनाने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस का कहना है कि जो काम जनता ने दिया वो काम नहीं हो पा रहा है, अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पिछली सरकारों के जिक्र हो रहे हैं, गड़े मुर्दे उखेड़े जा रहे हैं, इससे जनता को क्या फायदा होगा? हर साल मनाया जाता है उसी तरह से श्राद्ध भी हर साल किया जाता है। और ये के जो काला दिवस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आया था, तो तब से लगातार 26 जून को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसको काले दिवस के रूप में याद करती है और तरह तरह से इस पर चर्चा होती है कि जो समाज है वो और पूरा देश लोकतांत्रिक मूल्यों का आज सब और जो हमको लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मिली हुई है उसका महत्व समझे, तो कुछ विशेष इस बार नहीं हो रहा है। और कांग्रेस तो बिल्कुल बोलेगी उनके दामन में लगा हुआ एक काला दाग है, और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया था, मीडिया का मुंह बंद कर दिया था, और जितने अत्याचार 21 महीने का जो कार्यकाल रहा इमरजेंसी का, जिस तरह से लोगों के सब तरह के अधिकार बंधक बना दिए गए थे, तो उनकी उसकी याद पर जब भी उसकी चर्चा होगी उनके पास जवाब नहीं होगा, इसलिए वो हमेशा इस तरह का व्यवहार तो करेंगे ही। लेकिन क्या कांग्रेस कहती है, अघोषित इमरजेंसी आपने लगा रखी है, नोटबंदी, जीएसटी, इन सारे फैसलों को कहा जाता कि इमरजेंसी की तरह आपने लागू कर दिया, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार आप कर रहे हैं, क्या अघोषित इमरजेंसी जो कांग्रेस कहती है, क्या इसी का आप ये एक तरह से आप विरोध बदला, ये सब उसी का काट है? संवैधानिक संस्था पर आघात हुआ है? नहीं, वो कहते कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जजों की बेंच, पहली बार ऐसा हुआ कि जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक तरीके से या सही तरीके से काम नहीं कर रही है, नोटबंदी, जीएसटी को लागू कर दिया गया, इन तमाम चीजों को कहते कि अघोषित इमरजेंसी। देखिए, उस इमरजेंसी के दाग को धोने के लिए तरह तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी कांग्रेस के द्वारा, और ये जनहित में लिए गए निर्णय एक देश की कुव्यवस्था को, जिस तरह की अव्यवस्थाएं इस देश में थी और बिल्कुल टैक्स का कोई सिस्टम नहीं, टैक्स पेयर खाली जो सैलरी पेड हैं वो खाली टैक्स दे रहे हैं, और जिसकी कालाबाजारी और जिस तरह से घोटालेबाजी, इस घोटालों का देश हो गया था, उस चीज से उबरने के लिए और एक ट्रैक पे लाने के लिए जिस तरह के निर्णय, सुखदकारी निर्णय मोदी सरकार ने लिए, वो कांग्रेस के लिए उन पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। उनकी जो जमा की गई काला धन है उस पर एक प्रहार आया है, तो बिलबिलाए उन्होंने काम ठीक नहीं किया, उन्होंने काम ठीक नहीं किया, जनता को काम पसंद नहीं आया, सरकार बदल दी, आपको मौका मिल गया, अब आपको काम करना चाहिए या 40 साल या उससे पहले की सरकार की कमियां आपको गिनना चाहिए? देखिए, लगातार राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हर तरह के चुनावों को जीत रही है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो भी फैसले मोदी सरकार ले रही है वो जनहित में लिए गए निर्णय हैं और जनता उन पर लगातार मुहर लगा रही है। ये जनता के उसमें सबसे बड़ा प्रमाण होता है, जनता ही इसका निर्णय देती है, जनता जनार्दन है और उसने हमारे हर निर्णय पर, मोदी सरकार के हर निर्णय पर और भारतीय जनता पार्टी की
सरकार के द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर मोहर लगाती जा रही है और आज हम पूरे देश में लगभग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जिस वक्त तो का आप जिक्र करते हैं रजनी जी जिस वक्त का आप जिक्र करते हैं कि इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी कांग्रेस बड़ी मजबूत थी, कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा सीटें थी। उस वक्त ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्यादा सीटें हो वो कुछ भी करे वो सही हो। उस टाइम जो कांग्रेस ने किया वो ठीक नहीं था, इसलिए कांग्रेस के ऊपर आज भी दाग लगा है। तो कम से कम जीत ही एक मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इमरजेंसी लगाने के पीछे का कारण आपको ध्यान होगा वो हार की एक वजह थी। आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्होंने उसे हार की एक वजह थी और कोर्ट के आदेश जो हाई कोर्ट का आदेश आया मैंने पूरा पढ़ा। मैं आऊंगा आपके पास पवन शर्मा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब कांग्रेस को लगता है कि वो बर्बादी की तरफ जा रही है, वो खत्म होने की तरफ जा रही है, तब आप एक देश में माहौल बनाते हैं कि देखिए देश बर्बाद होने जा रहा है, देश खतरे में है, और आप देश को खतरे में डाल देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। देखिए आज जो देश में शासन कर रही है मुद्दाविहीन सरकार है, उसके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। आज भी वो आपातकाल का राग अलाप रहे हैं, जबकि आज उनको जवाब देने का जब समय आया है तो ये सिर्फ 43 साल पहले का आपातकाल उन लोगों को याद दिला रहे हैं जो जिनको शायद ये पता भी नहीं है। अगर आज उस आपातकाल के बारे में बात करें तो 1978 में इंदिरा जी ने एक सार्वजनिक सभा में महाराष्ट्र में उस कार्य के लिए अपना माफी भी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि किस वजह से उन्होंने आपातकाल लागू किया, हो सकता है कुछ अधिकारियों की वजह से कई ज्यादतियां हुई हैं और उसकी उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी। अगर कोई सार्वजनिक माफी मांग लेने के बाद अगर आज भी उसको उसकी तुलना की जा रही है तो इमरजेंसी में इमरजेंसी में झोंक दे और बाद में माफी मांग ले, वो भी एक सीट जहां पर हार गई थी इंदिरा जी। हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सिर्फ क्या एक सीट हारने की वजह से इमरजेंसी लगा देना और फिर बाद में माफी मांग लेना? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अगर आप देखेंगे उस टाइम पे जितनी स्वतंत्रता, आज अगर वो स्वतंत्रता देख के देखिए, विद्यार्थी देखिए, आज हर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी रोड के ऊपर है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज जब विद्यार्थी रोड पे आता है तो उसको देशद्रोही तक करार दिया जाता है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। आज के ये अरुण जेटली जी यहाँ छात्रों के आंदोलन करते थे, जेपी जी ने खुद छात्रों का आह्वान करके उनको उकसाया। अगर आप देखेंगे इंदिरा जी ने किन परिस्थितियों में जो आपातकाल की घोषणा करी थी उसमें एक हिस्सा ये भी था, उन्होंने पूरी जनता को भड़का दिया था, उसके आंतरिक हिस्से में जहां उनको खतरा महसूस हुआ उस वजह से उन्होंने आपातकाल की घोषणा भी की थी। उसके लिए इंदिरा गांधी जी ने माफी भी मांगी, माफी मांगने की वजह ये थी कि कोई ज्यादती हुई थी पब्लिक के साथ में, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। एक तरफ आप कहते हैं माफी मांगी जाती तब जब गलती होती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि गलती नहीं हुई। चलिए कांग्रेस का जो आरोप है, आऊंगा पवन जी पूरा, बहुत वक्त है। और मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि खाली भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इतिहास का ठेका नहीं ले रखा है। नहीं, ये इमरजेंसी आप बना रहे हो, आपने बोला ना जब मैं मेरा क्वेश्चन केवल आपने जन्म और श्राद्ध को बोला, आपने बाबा जिस दिन के आप उस दिन को डेट क्यों नहीं सिलेक्ट किया? इंडिया की हिस्ट्री में बोला है खतरनाक घटना है। जवाब ले लेते हैं, रखिए कुकरेती जी, आप जवाब दीजिए। जी, देखिए मिश्रा जी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय जो जनतंत्र है उसका बिल्कुल स्वरूप बदला है। इससे पार जो गुलामी का काल रहा वो हमका सबका सामूहिक एक उसको सबने झेला है पूरे इतिहास में, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था जब स्वतंत्रता के बाद हमको मिली और 1950 में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई उसके बाद जिस तरह की हमने स्वतंत्रता की कल्पना करके हमने इस देश का पुनर्निर्माण का कार्य लिया था सब लोगों ने, तो अचानक 1975 में उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों का और उन लोकतांत्रिक जो अधिकार दिए गए थे हमारे संवैधानिक सभा द्वारा उनका जिस तरह से अपनी एक कोर्ट के आदेश को
झुटलाने के लिए और उसको न मानने के लिए और अपने पद पर बने रहने के लिए उन्होंने कोर्ट की जो अवमानना की श्रीमती गांधी ने, और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी कि बड़ा, क्योंकि छात्रों को लेकर के और पूरे गुजरात में, बिहार में जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में और सारी असल में बात यह है कि आज वो महागठबंधन के नाते वही लॉजिक बड़ा सिंपल है, प्लीज पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, बंद कर दिए गए हैं, बताती है कि बाबर जिस दिन राजा बना था सबसे बड़ा मानवाधिकार का हनन वो था, आपकी आइडियोलॉजी कुकरेती जी, कुकरेती जी एक मिनट सवाल पूछो, एक मिनट सवाल, एक मिनट उसको मनाइए ना, कुकरेती जी, कुकरेती जी, कुकरेती जी, क्या एके मिश्रा जी का, कुकरेती जी, कुकरेती जी, एके मिश्रा जी का सवाल ये है कि क्या आपको जहां राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है आप उसको तो मना रहे हैं, जहां राजनीतिक फायदा दिखाई नहीं दे रहा है उस चीज को नहीं आप मना रहे हैं, राजनीतिक नफे नुकसान के लिए आप कर रहे हैं सब कुछ। आपने मेरा जवाब सुना ही नहीं, जवाब सुन लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, कम वक्त में हमारा सबका सामूहिक इतिहास है और उन उन उनको समय समय पर देखिए हम इतिहास से सीख लेते हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस तरह की काली घटना और लोकतांत्रिक बाबर जैसी काली घटना से सीख नहीं लेंगे, आपको सेलिब्रेट करना है ढाई साल की काली घटना को सेलिब्रेट करना है। 2018 में हम इसको याद नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इसको भुगता है क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता जेलों में ठूस दिए गए थे। अरे तो आपके कार्यकर्ता जेलों में ठूस दिए गए, आप उसको नेशनल एजेंडा क्यों बना रही हो? अभी बीजेपी वाले पूरे देश के लोगों को इंगेज कर रहे हैं, आप अपनी शाखा में बना लीजिए, अपने ब्रांचेस में बना लीजिए, करती है इसलिए हमको उसको बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। आप अपने ब्रांच में, अपने ऑफिस में बना लीजिए ना, क्या है टीवी में इतना हाईलाइट करना, पूरे देश के हर लोगों को एंगेज करना, लोकतांत्रिक अधिकारों का मनाना है तो लोकतांत्रिक अधिकारों का सबसे बड़ा हनन उस दिन हुआ जिस दिन बाबर राजा बना, आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से आपके पास उसका श्राद्ध दिवस क्यों नहीं मनाया? कुछ गड़बड़ लगता है उन्हें, वो पूरे इतिहास को बखानना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ बाबर सबसे बड़ा आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से इंडिया का दुश्मन है, आप लोगों ने उसका श्राद्ध दिवस क्यों नहीं मनाया? आप मना लीजिए ना बाबर की जयंती। चलिए ठीक है, अमित जी के पास जाएंगे, चलिए ठीक है, अमित एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, रजनी जी आऊंगा, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी आऊंगा, आऊंगा एके मिश्रा जी आऊंगा मैं आपके पास, अमित मिश्रा जी हमारे साथ, अमित शर्मा जी माफ कीजिएगा, जो वरिष्ठ पत्रकार स्वागत है, अमित मिश्रा जी आपका, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी आऊंगा मैं आपको, काफी वक्त दूंगा, अमित मिश्रा जी, जो इस तरह से मनाया जा रहा है काला दिवस के तौर पर, आज पूरी बीजेपी लगी है, सरकार लगी है, प्रधानमंत्री ने खुद अपना संबोधन इस मसले पर किया, क्या सरकार को अब जो चुना गया है काम करना चाहिए, मौजूदा हालात को समझना चाहिए, या 40 या उससे पहले जो काम करे सरकारों ने, क्या उनको लेकर जो है वो मातम मनाना चाहिए? अमित मिश्रा जी देखिए ये बात सही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को भूलना चाहिए बेहद जरूरी है, मगर चूंकि आज़ाद इतिहास में जब लोकतंत्र की हमारे यहाँ संविधान की व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था के बाद 25 जून 1975 को रामलीला मैदान की ऐतिहासिक जेपी की जो रैली हुई, उसके बाद जिस तरह से देश में आधी रात को आपातकाल लागू किया गया, उसकी चार मुख्य चीजें थी कि एक तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते, इंदिरा गांधी जब तक चाहें प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, किसी तरह की अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती, और लोगों की स्वतंत्रता, उनके अधिकार खत्म कर दिए गए, मीडिया की आज़ादी को खत्म कर दिया गया। मगर इस आपातकाल को भुनाने का जिम्मा अकेले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि उस वक्त के तमाम जो लीडरान थे वो आज देश के बड़े लीडरों में शुमार किए जाते हैं, मसलन नीतीश कुमार की बात करें, लालू यादव की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें, जेटली जी तो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मगर मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, जनसंघ से अलग भी जितने राजनीतिक दलों के लीडर थे आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, उन सभी ने भी मीसा के तहत 1,11,000 लोग
बंदी हुए उनमें जनता पार्टी के और तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो सब जेलों में गए, मगर उनमें से कोई भी आज भारतीय जनता पार्टी के इस काला दिवस में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपातकाल में जुल्म व सितम झेले हों ऐसा नहीं है, देश के तमाम ऐसे और लाखों लोग हैं जो जेलों में ठूंस दिए गए, जिनके अधिकार छीन लिए गए, जिन पर मुकदमे लाद दिए गए, बाद में बहुत बहुत महीनों के बाद उनको रिहाई मिली। कहने का आशय सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपातकाल को पिछले करीब दो दशक से, बल्कि कहा जाए तो अटल जी की सरकार के पहले से, भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है वो सत्ता में होती है बनाने की कोशिश तो आपातकाल को एक बड़ा वो बना करके पेश किया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है, इसको बनाने की कोशिश की जाती है। पवन जी, क्या ये एक ऐसा दाग है, क्या ये एक ऐसा गुनाह है कांग्रेस के लिए जिसकी सजा एक ऐसी कि हर साल हर वक्त आपको मिलती रहती है? देखिए, अगर सजा होती तो सजा तो पब्लिक ने दे दी थी। पब्लिक ने 1977 में सत्ता से बेदखल कर दिया और उसके बाद में दो ढाई साल के बाद में वही पब्लिक ने, वही जनता ने इंदिरा गांधी जी को सत्तासीन किया और उसके बाद में 87 तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद में 91 में फिर आई। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस, जब जनता ने तो पहले ही माफ कर दिया और इंदिरा जी ने इसके लिए साफ साफ माफी भी मांगी। अब अगर देखें तो अघोषित जो आपातकाल आज भाजपा शासन में है वो हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके मंत्री, इनके विधायक वो खुद कह रहे हैं। आज राजस्थान के पूर्व मंत्री, बहुत बड़े नेता, इनके आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक, उन्होंने आज त्याग पत्र देते हुए साफ साफ लिखा है कि आपके शासन में अघोषित आपातकाल है, आप लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग जनता की आवाज सुन नहीं रहे हैं, आज किसान मरे जा रहे हैं। लेकिन आप उस जो घोषित आपातकाल था उससे ज्यादा जो अघोषित आपातकाल है उसमें ज्यादा जो यातनाएं झेली जा रही हैं। आज दलित सुरक्षित नहीं है, दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो यह अघोषित आपातकाल, इसको छिपाने के लिए आज ये भाजपा ही ये काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, जबकि इनको शर्म आनी चाहिए। आज जो उन्होंने वादे किए थे, जब जनता इनसे वादे पूछने वाली थी, तो ये ऐसे दिवस मना के उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल रजनी जी, कांग्रेस कह रही है कि जो आपातकाल की अघोषित स्थिति है आपने लगा रखी है, इसमें आपके बड़े नेता प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साध के कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही कि बीजेपी को के नेताओं को ही सबको बंधक बना रखा है, पार्टी को ही बंधक बना रखा है दो चार लोगों ने। आंतरिक स्वरूप है और किस तरह से हम अपना संगठन चला रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। मिस कॉल वाला मैडम, मिस कॉल वाला, और मिस कॉल भी बार बार के लोगों के फोन ले लेके मिस कॉल मारी गई है। ओरिजिनल जांच करिए, किसी की भी सही नहीं पाई जाएगी। आज हम पूरे 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 देश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लगभग पूरे देश पर भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस की नहीं रही है? अभी कांग्रेस की भी नहीं है पूरे देश में। रजनी जी, कांग्रेस की भी थी एक दौर में, अगर किसी के पास तादाद ज्यादा हो तो क्या वो कुछ भी काम करे वो सही है? क्या एक यही पैमाना है सही और गलत का लोकतंत्र में? गलत काम करे नहीं तो उस वक्त कांग्रेस के पास भी सीटें ज्यादा थी, उस हिसाब से तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है यहाँ जो नहीं आप मैं कहना ये कहना चाहता हूँ रजनी जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, आप जो बार बार बीजेपी ये बार बार इस बात को गिनाती है कि हमारे पास नहीं, आप जो गिनाते हो ना, हमारे पास सबसे ज्यादा एमपी है, सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकारें हैं, अगर जनता हम पे विश्वास कर रही है, हमारे फैसलों पर मान नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं आपके सारे फैसले वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी ज्यादा राज्यों में सरकार है, आप जो करो वो ठीक होगा, तो इस हिसाब से तो उस वक्त इंदिरा जी ने जो किया वो ठीक। प्रजातंत्र में आप जनता के मन को कैसे भापते हैं, कैसे नापते हैं? मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि जनता का मन नापना हो कि जनता खुश है या नहीं। केजरीवाल, चलिए ठीक है, अगर केजरीवाल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर आप देखिए ठीक है जीत गया, लेकिन उपचुनाव में अगर देश की राजधानी में अभी भी उपचुनाव में आप लोगों को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा, तो फिर क्या प्रजातंत्र में फिर उसको मान लेंगे आप? नहीं, प्रजातंत्र में केजरीवाल की क्यों नहीं सुन रहे आप? क्यों 10 दिन धरना देना पड़ रहा है?
क्यों नहीं मिल रहे तीन तीन मुख्यमंत्रियों से आपके राज्यपाल? चलिए रजनी जी, कांग्रेस का सीएम, क्यों नहीं केंद्र सरकार? कांग्रेस का कहना है कि आपको इससे बड़ा बहुमत थोड़ी है आपके पास। हमें की आवाज सब टकरा रही है। रजनी जी, कांग्रेस का कहना कि जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, केजरीवाल जी की बात जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं लोकसभा चुनाव में, जो आपने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के निकाल कर ला रहे हैं आप मुद्दे, असली मुद्दों को असली मुद्दे से भटकाने के लिए, जनता का ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस कह रही है। मैं नहीं, ये हर साल 1975 से लेकर के आज तक प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाती रही है। और ये जो दूसरे समाजवादी और अन्य लोग थे जो इन सब चीजों को झेल चुके हैं, लालू प्रसाद यादव ने तो अपनी बेटी का नाम तक मीसा रखा था, तो आज आपके साथ नहीं है, विस्मृति हो गई है सत्ता के लालच में, तो वो उनके नहीं, वो तो भूल चुके हैं सब, वो उन चीजों को पीछे छोड़कर, रजनी जी उन चीजों को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ गए, उनको जिम्मेदार वो आगे बढ़ गए, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपको क्यों कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है यदि इमरजेंसी एक इतिहास का एक काला पृष्ठ उसकी याद दिलाई जा रही है सबको और हर वर्ष दिलाई जाती है कि देखिए जनतंत्र का क्या महत्व है और जो हमें अधिकार लोकतंत्र में मिले हैं वो उसकी उसकी के उसका कितना महत्व है हमारे जीवन में और क्या यदि इस तरह की शक्तियां यदि सत्ता में आती हैं। आप देखिए जो संजय गांधी जी बिना कुछ होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में जो नसबंदी का जिस तरह से करवाई है और जिस तरह से लोगों के जेल में डालकर लोगों की आंखों में मिर्च डाल दी है रजनी जी देश की जनता, रजनी जी मेरी आवाज सुनिए, पवन जी आऊंगा रजनी जी, देश की जनता तब ज्यादा आपसे खुश होगी जब आप ये चाहे मनाए लेकिन इसके साथ ही आप उनके उनके खाते में 15 लाख रुपए पहुंचा दें। देश की जनता तब ज्यादा खुश होगी जब काले धन वालों को जेल में बंद कर दें। देश की जनता तब ज्यादा आपसे खुश होगी इस आंदोलन से, इस काला दिवस मनाने से, जब पेट्रोल और डीजल के दाम आप कम कर दें, जब महंगाई को आप कम कर दें, जब किसानों को वाजिब दाम आप दिलाएं, जब बुनियादी चीजें हो विदेशों से, तब ज्यादा जनता खुश होगी, आपके इससे ज्यादा खुश नहीं होगी। इसको आप मनाते रहिएगा, हर साल मनाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। ये राजनीतिक पार्टी के नाते और सरकार में होने के बातें जनता पार्टी का नेतृत्व जानता है कि जनता के लिए क्या किया जाना चाहिए और सरकार कैसे चलती है। ये कांग्रेस के सिखाने से या उससे नहीं जानेंगे। ये आप इस काले अध्याय को ना याद करें, हम किसको याद करें? ये कांग्रेस नहीं निर्णय कर सकती या ये मिश्रा जी, पार्टी का जो नेतृत्व है वो जानता है जनता के हित में लगातार आज जो भारत का गौरव है पूरी देश दुनिया में बढ़ा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एके मिश्रा जी, एक तरफ बात होती है कि डिजिटल इंडिया की, एक तरफ बात होती है कि हम एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, एक तरफ तमाम तरह की योजनाओं की आधुनिक योजनाओं की बात होती है और दूसरी तरफ 4 दशकों पुरानी हम लकीर को पीटते हैं, उन नाकामियों को हम मनाते हैं। आसिफ देखिए, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे लो, मैं बोलता हूँ हर महीने में 30 दिन होते हैं आसिफ, हाँ। और हर दिन आप मनाने लगो कि आज मेरे खानदान में 50 साल पहले ये बुरा हुआ था, तो आज बर्थडे है, आज मरण डे है, आज किसी का साथ है, आज फुफाजी के बेटे का ये है, तो आप काम कब करोगे? काम कब आप करोगे? मेरे कहने का मतलब ये है, बीजेपी को जो पूरे देश में मैंडेट दिया है वो केवल सेलिब्रेशन, जन्मदिन, मरण दिन और ये श्राद्ध और जन्मदिन मनाने के लिए नहीं दिया है। आपको मनाना है तो एज ए प्रतीक के तौर पर आप मना लीजिए। सबसे बड़ा जेन्यून क्वेश्चन ये है, जून महीने में मैंने आपको इतनी डेट दिखाई, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे दमनकारी डेट वो है जब बाबर यहाँ का राजा बना, वो भी 3 या 4 जून की बात है।
मैं बोलता हूँ क्वेश्चन यही बीजेपी वाले जवाब दे दें, अगर आपको काला दिवस मनाना है, जो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से सबसे खराब आदमी है वो बाबर है, उसको मनाइए। केवल देखिए आपत्ति ये है ना, हर दिन आप कोई ना कोई ऐसा जो है बाबर किसी राजनीति से नहीं जुड़ा, उसको उसको पॉलिटिसाइज करते हो, पॉलिटिकल माइलेज लेते हो। गुजरात के विकास की बात अब आप नहीं करते हो, मेक इन इंडिया की बात अब आपने छोड़ दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात अब आपने छोड़ दी, स्वराज की बात अब आपने 2 साल से कभी की नहीं है। ये सारी बातें कहां गई बीजेपी के एजेंडे की? डॉलर वर्सेस रुपीज का जो था कि जी रुपया इतना हो जाएगा, उसकी बात अब आप नहीं करते हो, दाऊद को लाने की बात अब आप नहीं करते हो। ये सारी बातें क्यों नहीं हो रही है मैम? केवल ये मना लेने से है कि इंदिरा गांधी ने, या अरे मैं बोलता हूँ मैम, आप लोग जीत गए, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस एकदम से खत्म हो गई, आपका उद्देश्य क्या अभी भी नहीं पूरा हुआ है क्या? 5 साल काम करिए, फिर जब चुनाव आएंगे तो फिर ये सब करिएगा। आप काम पे फोकस ना करके, डिलीवरी पे फोकस ना करके, बस कांग्रेस 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 के पीछे आप पड़े हो। उधर हमारे पॉलिटिकल पार्टियों, देश का दुर्भाग्य है, केजरीवाल जी है वो बीजेपी 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 के पीछे पड़े हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस 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 के पीछे पड़े हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी 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 के पीछे पड़े हैं। सफर कौन कर रहा है? एक कॉमन आदमी, सीएम, कॉमन मैन, जो हमारे पीएम मोदी ने बोला था कि आई एम ए सीएम नॉट चीफ मिनिस्टर, कॉमन मैन, वही कॉमन मैन इन सब पॉलिटिक्स में फर्स्ट के पूरा का जो है एकदम उलझा हुआ है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं। मैं बोलता हूँ मेक इन इंडिया की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं पिछले 3 साल से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बैंकों का देखिए कितना बुरा हाल हो चुका है, कर्ज में डूबी हुई है। आपने कहा था कि आर्थिक स्थिति पर इमरजेंसी को मनाने के लिए आपने 10 दिन की तैयारी की, आपके पास टाइम है? पवन जी, जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो कांग्रेस बड़ा असहज महसूस करती है। नहीं, असहज की बात ही नहीं है। देखिए, जब जो इमरजेंसी का बात थी वो उस बारे में 1978 में इंदिरा जी ने कबूल की, उसके बाद में जनता ने ही मैंडेट दे दिया, जनता ने 3 बार चुना उनको, उसके बाद में कांग्रेस ने 91 में चुना, फिर 2004 से लेके 2012 तक कांग्रेस रही या 14 तक रही, तो आप उसको तो भूल जाइए। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता सब देख रही है, जनता बीजेपी के कार्यों को भी देख रही है। ये सब ये देखिए आप अघोषित आपातकाल की तरफ ले जा रहे हैं, क्या ले के भी गए हैं? आज पूरी संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने बंधक बना रखी हैं। आज पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं कि आज की डेट में इस सरकार ने जो चुनाव आयोग को भी उसकी साख को भी गिरा दिया है, सीबीआई की साख को गिरा दिया है, चीफ जस्टिस को बाहर आना पड़ा जनता की अदालत के लिए, तो इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया। आज देखिए उन्होंने पत्रकारों को, आज जो पत्रकार इनके सामने बोलता है, पीएम साहब से कोई क्वेश्चन पूछता है, पता लगा दूसरे दिन वो पत्रकार है ही नहीं। आप देखें जितने पत्रकारों की हत्याएं, जितने आरटीआई की हत्याएं इस शासनकाल में हुई, कभी नहीं हुई। आज देखें ये गोहत्या के नाम पे इन्होंने राजनीतिक संरक्षण दे रखा है लोगों को, सबसे ज्यादा ये गोहत्याओं के ऊपर इन्होंने सारा कुछ काम किया हुआ है। इसका कहना है अघोषित इमरजेंसी तो इस वक्त लगी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इनकी इमरजेंसी को याद दिलाती है कि आपने देश को उस वक्त कहां पर झोंक दिया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, मैंने नहीं हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज बात कर रहे हैं कि आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, बीजेपी इसको काले दिन के तौर पर आज मना रही है। बीजेपी का कहना है कि बड़ा नुकसान हुआ था उस वक्त देश को, विपक्ष के नेताओं को जेलों के अंदर ठूस दिया था, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया था, तानाशाही पूरी तरह से मनाई गई थी। बीजेपी इस वक्त जो है वो इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर रही है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी, पत्रकारों का कहना है, जो पैनल में बैठे उन सभी यही शख्सियत का कहना कि आप जो मनाएं सो मनाएं, लेकिन आपने जो वायदे किए उसको भी निभाएं। वायदे देखिए, ये सरकार लगातार 70 सालों तक पूरा बिजली पूरे देश में नहीं पहुंच पाई थी, आज 100% बिजली पूरे देश 100% नहीं है पहुंच चुकी है। गैस हमेशा
रजनी जी कहां 100% बिजली है? पूरे प्रत्येक गांव तक अभी प्रधानमंत्री 22 तक कह रहे हैं, इन्होंने अभी पहुंचा दी प्रत्येक गांव तक बिजली नहीं। अमित जी बैठे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक पहुंचेगी, पूरे देश में पहुंचा देंगे, और आपने अभी से पहुंचा दी 19 में, 3 साल पहले। नहीं आपको जानकारी नहीं है, बिजली पूरे पूरे देश के गांव में पहुंच 2022 तक सभी लोगों को आवास का वायदा है, सैकड़ों गांव ऐसे जहां से ये बिलोंग करती है वहीं आधे गांव में नहीं पहुंची, गांवों में उत्तराखंड में नहीं पहुंची, तमाम गांव ऐसे जहां बिजली नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई हजार गांवों में अभी बिजली नहीं पहुंची। 100% गांव में आप कोई एक गांव का नाम गिना दीजिए, पूरे 100% गांव में बिजली पहुंच गई। जिस गांव का नाम मोदी जी ने मन की बात में लिया हाथरस के, उसी गांव में नहीं पहुंची। जिस गांव का नाम मोदी जी ने मन की बात में लिया उसी गांव में, हाथरस का गांव में, वहीं नहीं पहुंची। जब मोदी जी ने मन की बात में उस गांव का नाम लिया तब अगले 36 घंटे में बिजली पहुंची। पहुंच जाएगी ये मानता हूं, उसके लिए एक लंबी तपस्या देश की विभिन्न सरकारों ने, बिजली विभाग के लाखों कर्मचारियों ने की है। जी अभी आपको 4 साल, आप कहिएगा कि हम काम कर रहे हैं इस दिशा में, लेकिन अगर आप ये दिखा दोगे कि हो गया तो कैसे हो गया, हुआ नहीं है ना, आप कहिएगा कर रहे हैं उस दिशा में काम, अभी हुआ नहीं। आसिफ जी आप भी अपने को अपडेट कर लीजिए, बिजली 100% गाँव में पहुंच गई है, 100% घरों में नहीं पहुंची है। देखिए आप 100% गांव में पहुंच गई है, सभी घरों बिजली मंत्री से पता कर लीजिएगा, और 2022 तक सभी घरों में आप भी अपडेट कर लीजिए, गांव पहुंच गई है। और फिर हर घर के हर कमरे में कितने कौन से ईयर में पहुंचेगी मैम, ये भी बता दीजिए। गांव तो पहुंच, अभी गांव पहुंचा फिर घर में पहुंचेगी, फिर घर के हर कमरे में कितने दिन। सब्जेक्ट को इतना, सब्जेक्ट को हल्का मत कीजिए। इस तरह से गैसों का आवंटन उज्ज्वला योजना के तहत हुआ है पूरे, और प्रत्येक क्षेत्र में एक एक का नाम क्यों लूं, हर जगह जो वेलफेयर स्टेट के जितने काम है, जिस तरह के अभूतपूर्व काम भारतीय जनता पार्टी की, जिस स्पीड से हमारी सड़कें बन रही हैं, जिस प्रसार से रोजगार पर, चलिए ठीक है, जनता सब कुछ देख रही है। एके मिश्रा जी, काम और एके मिश्रा जी, लेकिन ये बात तो सच है कि आज का दिन आप तमाम चीजें इतिहास की तारीखें गिना रहे हैं, आप भले ही तमाम इतिहास की तारीखों को गिना रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त जो किया, उस वक्त की प्रधानमंत्री ने जो किया वास्तव में वो काफी ज्यादा गलत था, देश उसको भूलेगा नहीं कभी। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात सारे नेता लोग करते हैं। हमारे संविधान में ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि एक बार जिसको सजा मिल गई उसको आप हर साल याद करके बार बार कोर्ट उसको सजा देती रहे? मैं बोलता हूँ वो एक काला अध्याय था 2-2.5 साल के लिए, उसमें इतनी सारी चीजें हो गई, जनता ने उनको नकार दिया, उनको सजा मिल गई। मुद्दा ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं बड़ा विनम्र तरीके से और लॉजिकल बोलना चाहता हूँ, प्रॉब्लम अब हर कितनी बार सजा करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकारों को बंधक बना दिया क्या? मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, क्या एक चुनाव हरा देना ही वजह थी? हर बार हर साल इन मुद्दों को सारी पॉलिटिकल पार्टियां उठा के, और आपको क्या दिक्कत है यदि उस काले दिवस को याद किया जा रहा है तो आपको और उसी दुखी नस को दबा दिया जा रहा है, इसलिए आपको तकलीफ है, आपके गुनाहों को याद दिलाया जा रहा है तो आपको तकलीफ है। एमपी एमएलए बीजेपी का इस वक्त अपने ऑफिस में काम नहीं कर रहा है, केवल काला दिवस मना रहा है। आप लगातार इतने वर्षों को मुसलमानों को डराते रहे हैं संघ के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को भगा देगी, और जब ये सब नहीं हुआ तो अब आपने दलितों को पकड़ लिया है कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये पार्टी अपराधियों की पार्टी है, ये कोई और आपके अपराध हम लगातार गिनाते रहेंगे, आप ऐसे ही बौखलाते रहे, ऐसे भारत का निर्माण थोड़ी होगा कि 5 साल में 3 साल केवल धरने और प्रदर्शन में चले गए। हर मुख्यमंत्री को ले लीजिए, हर पार्टी को ले लीजिए, 5 साल में 3 साल केवल विरोध करके धरने प्रदर्शन में चले गए, सैलरी मिल रही है, तनख्वाहें मिल रही है, सेलिब्रेशन हम टैक्स किसी गवर्नमेंट को मैं
क्षेत्र में और इस देश की आर्थिक स्थिति अरे आप मुझे लॉजिक दे दीजिए ज्यादा है जब आप काला दिवस मनाना है तो आप उस समय याद करते रहेंगे और सबसे बड़ा काला दिवस है क्या रजनी जी इससे भरपाई हो जाएगी सवाल ये है इससे भरपाई नहीं होगी जनता ने उनको सबक दे दिया जनता ने उनको सजा दे दी अरे याद मत करिए जनता ने सजा दे दी उनको याद करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ भारत का नाम मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ देखिए आप उसको उसका रजनी जी रजनी जी रजनी जी लेकिन काला दिवस इतिहास में बाबर का है जिस दिन वो राजा बना आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है ये आप भी बोलते हो आप लोग गणतंत्र दिवस भी आया था या तो आप भूल जाइए आपको मनाना है तो आप प्रतीकात्मक तरीके से मना लीजिए आप उसको ऐसे मत मनाइए कि 15 दिन रजनी जी देखिए रजनी जी आप कांग्रेस के कार्यकाल से सबक लीजिए अमित जी रजनी जी कांग्रेस के कार्यकाल से सबक लीजिए कांग्रेस ने इतनी गलतियां की इसी वजह से यहां पर खड़ी है कांग्रेस को जनता ने सजा दे दी अब आप भी अगर चाहें कि आप जो सजा जनता ने दी आप उसी को गिनाते रहे गिना जनता सजा देने वाली है जनता फैसला करने वाली है आपको जो जिम्मेदारी दी आपको जो जिम्मेदारी दी है आप उन जिम्मेदारियों को निभाइए और जनता जो कांग्रेस ने गलत काम किया उससे सबक लीजिए जनता पार्टी को कि जनता ने हमें क्या जिम्मेदारी दे रखी है और क्या हमारे कर्तव्य है भारतीय जनता पार्टी से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता है तभी तो विजय कांग्रेस भी यही कहती आई आज तक काला दिवस मना रही कांग्रेस कांग्रेस भी यही कहती आई है जून के महीने चलिए अमित जी कुछ बात कह रहे थे अमित जी रखी बात अमित जी वकील एक अमित जी जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा हम लोग आपातकाल के एके मिश्रा जी ने भी अभी काफी चीजों पर इतिहास पर प्रकाश डाला हम ये नहीं कहते कि आपातकाल एक बहुत अच्छा जीने के अधिकार छीन लिए गए स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया मीडिया पर पाबंदी ये सब बहुत अच्छे कदम नहीं थे बहुत खराब कदम थे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए मगर क्या अब जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं डिजिटल इंडिया की स्टार्टअप इंडिया की स्किल इंडिया की और तमाम स्वच्छ भारत और बढ़ता भारत की बात कर रहे हैं देश के निर्माण की बात कर रहे हैं ऐसे वक्त में क्या ये समझदारी भरा है कि 6 दिसंबर आता है तो हम शौर्य दिवस मनाते हैं हम विजय दिवस मनाते हैं किस बात का विजय दिवस मनाते हैं हम अब ये आपातकाल आता है आपातकाल या शौर्य दिवस इसके मायने इसकी परिभाषा विभिन्न पार्टियां अपने अपने तरीके से मना सकती हैं लगा सकती हैं कहने का सेंस सिर्फ ये है कि जो आम आदमी है जिसकी सुबह शुरू होती है पेट के आंकड़े फिट करने को लेकर के और रात हो जाती है 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने में उसके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है शिक्षा बड़ा मुद्दा है बच्चों के परवरिश उसके लिए बड़ा मुद्दा है उसके लिए दाल रोटी दूध का मुद्दा बड़ा है जो पढ़ा लिखा नौजवान है जो झुग्गी झोपड़ी का इंसान है उसके लिए बड़ा मुद्दा है रोजगार उस रोजगार पे चर्चा जो 2 करोड़ लोगों के लिए कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम जो है रोजगार देंगे वो रोजगार आज नहीं मिल पा रहा है युवा को जिस आय की बात की थी 2 गुनी आय हो जाए जिस पर चर्चा होनी चाहिए आज के दिन वो चर्चा नहीं हो रही है किसान की आय जितनी थी उतनी भी नहीं रही क्योंकि महंगाई बढ़ गई डीजल बढ़ गया इसको लेकर कीटनाशक बढ़ गए इसको लेकर काम करना चाहिए आम लोगों को अब उन चीजों से मतलब नहीं है आम लोगों को मतलब है कि उनको सुविधाएं मिलना चाहिए अब आम लोग उन सब चीजों को भूलना चाहता है उनको याद करना नहीं चाहता एक मिशन 30 सेकंड बात रखिए आप देखिए मेरे कहने का मतलब है लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है ना जो मैंने बोला रोल सारी पार्टियां खेल रही है केजरीवाल जी को मैंडेट इसलिए मिला कि आप काम धाम छोड़ के जनता की तनख्वाह लेते रहो ऐश करते रहो 20 दिन आप धरना दो बीजेपी को क्या इसलिए मैंडेट मिला है कि हर महीने 4-6 आप ऐसे मुद्दे उठा लो और उसके लिए करते रहो कितना मैन पावर आवर्स वर्किंग आवर कितना पैसा आप गवर्नमेंट का आप लोग बर्बाद कर रहे हो सारी पॉलिटिकल पार्टी से बोलता हूँ 5 साल में 4 साल तो आप ऐसे ही निकाल देते हो तो भारत को महान आप लोग कैसे बनाओगे धरना प्रदर्शन करके और ये ऐसे दिवस मना के चलिए रजनी जी शुड बी ऑन वर्क रजनी जी बताइए कि धरना प्रदर्शन से विरोध करने से देश का भला कैसे होगा विजय दिवस शौर्य दिवस नहीं वो मनाना रजनी बहुत ज्यादा ध्यान से लेकिन अमित जी जैसे व्यक्ति यदि ये कहते हैं कि आप इतिहास के पृष्ठों को क्यों याद कर रहे हैं देखिए इतिहास
इतिहास इसलिए होता है कि उससे सबक लिया जाए, सबक लिया जाए, लेकिन बाकी इतिहास से भी लीजिए जो राजनीति से जुड़ा है, जहां फायदा दिख रहा है वहां पर उससे सबक लेना चाहते हैं, यानी कि हर राजनीतिक दल जो है वो अपने हिसाब से जो है वो सबक लेते हैं। यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति, यहाँ पर और इतिहास में भी केवल पॉलिटिकल चीजों को मनाई, राजनीतिक अपने विरोधी अपने हिसाब से, अपने विरोधी है उनकी कमियां गिनाकर। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज बीजेपी आज के दिन को काले दिवस के तौर पर मना रही है।